जो रिटायर्ड होते हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनको घर में कामकाज नहीं है टाइम काटने के लिए, और मन ये है अपना मनोरंजन के लिए सत्संग में जाकर के पंडालों को भर जाते हैं, और मेरे जैसा कोई डाडी वाला खुश हो जाता है सत्संग बड़ा चला है। सुधार नहीं है सत्संगों में। एक तो मदारी होते हैं, मदारियों का काम लोग कर रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। महात्मा ने कथा की तो एक बहन पास से गुजरी, उसको बुला करके कहा कि भरपाई बता, देखो कितनी संगत हो गई है मेरी। कहने लगे महाराज जी, ये आपकी भ्रम की बात है, आपकी थोड़ी सी भी संगत नहीं है। कहने लगा तेरे को दिखाई नहीं देता है कितने लोग बैठे हैं, कितनी बहनें बैठे हैं, इतनी तो किसी के पास भी नहीं जितनी मेरे पास हैं। कहने लगे नजर उठा करके देख लो, 80% बहने रिटायर्ड हैं घर से, उनको काम नहीं है, उनका टाइम नहीं कटता है मनोरंजन के लिए, आप पास जाती हैं, ये आपकी भगत नहीं है। तो कहने लगे फिर मैं क्या कम हूं कुछ, मैं भी तो घर से तंग होकर के आता हूँ, बच्चों से बीबी से, मैं भी तो यहाँ अपना मनोरंजन करता हूँ, देखता नहीं तेरे को यहाँ कृष्ण बना के नचाया, गोपनीय बना के नचाया, रंग फेंकाया, क्या मैंने मनोरंजन नहीं किया, ये पीछे थैला भरा रुपयों का, मैं क्या तुम्हारे से कम हूँ। ये तो स्वार्थी है, स्वार्थी स्वार्थी से मिला है, पता नहीं स्वार्थी स्वार्थी से मिलते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, खून खराबा होता है, पता नहीं स्वार्थी स्वार्थी कब भिड़ेंगे ये संगत और ये गुरु महाराज, पता नहीं कब बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ना निश्चित है, क्योंकि दोनों स्वार्थी हैं। इन बातों को समझो और कल्याण की बात करो। ऐसे ही गुरु साहेब सत्संग कर रहे थे। सत्संग क्या किया था, स्वरूप के लिए, कि अपना स्वरूप पाओ, अपने आप को जानो। कितना अच्छा लगता है ये, स्वरूप को जानो, अपने आप को पाओ, कोई इतराज नहीं कर सकता इस बात पर। लेकिन थोड़ी सी देर में क्या करता है, संन्यास देता है। संन्यास देता है, क्या करता है, उनके गले में अपनी एक एक फोटो डाल देता है, लॉकेट, अपने रूप का लॉकेट उनके गले में लटका देता है। लेकिन इधर से पहुंच गया रमण जी, रमन जी यानी कि कोई रमता हुआ पहुंच गया रमन जी महाराज। उसने कहा कि महाराज सत्संग तो मैंने आपका सुना है, आपने तो बात बहुत बढ़िया करी थी कि स्वरूप को जानो, अपने आप को जानो, परमात्मा से मिलो, लेकिन ये क्या कर रहे हो, तुम संन्यास दे रहे हो, उनके गले में फोटो लटका रहे हो, क्या कारण है। जब तुम कह रहे हो अपने स्वरूप को जानो, तो उनके गले में अपना स्वरूप क्यों लटका रहे हो, अपनी फोटो क्यों लटका रहे हो। देखते हो चारों तरफ, देखते हो ना गलों में फोटो, जो अपने गले में गुरु का फोटो लटका लेगा, क्या वो अपने स्वरूप तक पहुंच जाएगा, उसकी जान फोटो में रहेगी, फोटो हल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उसकी जान फोटो में रहेगी, उसकी जान स्वयं से जुड़ नहीं सकती। ये तो एक तरकीब की है कि अपने स्वरूप से भूला रहे और मेरे स्वरूप पर अटका रहे। ये साइकोलॉजी की बातें बताता हूं, मनोविज्ञान की बातें बताता हूं कि महात्मा लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से अपनी ऐड कर रहे हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि अपने स्वरूप को जानो, लेकिन समय पर अपना फोटो लटका रहे हैं, तुम्हारे गले में संग स्वरूप को भूल जाओ। ये तो वही बात है कि पान सिगरेट की दुकान पर लिखा है कि पान सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन नीचे से धंधा तो पान सिगरेट बेचने का है। ये दुनिया की मानसिकता इतनी धारणाओं में चली गई है, इतनी स्वार्थम चली गई है, ये हम सुना नहीं सकते, और ये चालाक लोग हैं जो तुम राजनीति से, ये कम नहीं है राजनीतिक लोगों से, राजनीतिक लोग, नेता, अभिनेता, गुरुवादी, व्यापारी, ये तीन चार चीजों की एक ही मानसिकता होती है। वो मानसिकता क्या है कि अपने भले के लिए दूसरों का भला बताओ, अपना लक्ष्य होना चाहिए अपने भले का, लेकिन अपने भले के लिए दूसरों का बताओ भला कि तुम्हारा ये भला होगा, ये तुम्हारा ये भला होगा, ये तुम्हारा ये भला होगा, लेकिन नीचे से अपना लक्ष्य अपना भला करने का, ये ऐड है और कुछ नहीं सत्संग, एडवर्टाइजमेंट है अपने भले के लिए।
लाइफ बॉय है, जहां संतंदुरुस्ती है वहां होता है। से तुम लगा के रगड़ रगड़ के देख लो लाइफ बॉय को कि लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां लगाओ। तुम्हारे कल्याण की बात की जा रही है लेकिन लाइफ बॉय की टिक्की पर तो 10 रुपए कमा रहे हैं। भला अपना चाह रहे हैं, कमाई अपनी कर रहे हैं और भलाई तुम्हारे आप तुम्हारे की कर रहे हैं कि तो लाइफ बॉय ला तंदुरुस्ती बन जाओ। खाने से भी तंदुरुस्ती नहीं बनती है, लाइफ बॉय लगाए से तंदुरुस्ती बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। ये तो अपनी ऐड है। तो ये महात्मा है अपनी ऐड करते हैं, अच्छे सत्संग करते हैं और तुमको बका लेते हैं, लेकिन नीचे से उनका अपना इरादा है कि हमारे मान मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हम लोगों का शोषण कर ले, हम जगत में हमारा नाम हो जाए। ये एक प्रतियोगिता है, ये प्रतियोगिता लोगों को समझ में आ नहीं रही है, जा जा करके इकट्ठे हो जाते हैं। तो तुमने देखा होगा कि गुरुडम में, गुरुडम कहता हूं मैं, गुरुडम का अर्थ है, तुम समझ लेते हो, कई बार बता दिया है कि जहां गुरु अपने आप को परमात्मा से भी बड़ा मानता है और गुरु ये कहता है मेरे सिवाया पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये गुरुडम है। इस गुरुडम की छाया जिस पर पड़ गई समझो वो अंधा हो गया। कबीर साहब ने एक बात कही थी कि नारी की जाई पड़ते अंधा होत भुजंग, तिनकी कौन गति जिनका नित नारी से संग। ये बात तो हो सकता है झूठी भी हो, झूठी है, क्योंकि अगर छाई बढ़न की तो बात दूसरी है, अंधा तो नहीं होगा सर्प। इतना तो हमने देखा है कि जिस नारी को सर्प लड़ जाता है वो नारी जरूर मर जाती है, लेकिन ये दोहा कहता है कि नारी की परछाई पड़ जाए सांप पर वो अंधा हो जाता है, ये बात झूठी है। ये सच्ची है कि सांप नारी को लड़ जाए तो आगे अगले लोकों में जरूर चली जाएगी, लेकिन इस बात को तुम विचार कर नहीं सकते। नारी के लिए कर रहा है, सारी नारी के लिए, सारी नारी को बर्बाद कर रहा है कि उसकी छाया भी ऐसी है, अगर किसी पुरुष पर पड़गी, किसी महात्मा पर पड़गी, समझो हो तो नरक में गया। क्या ऐसे सत्संग सुनाऊं? नारी तो फिर भी ज्यादा आएंगी, चाहे मैं ऐसे सत्संग सुनाऊं। नारियों को ये चिंता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, बस उन्हें तो इकट्ठा होने से मतलब है, मनोरंजन से मतलब है, बदलाव से मतलब नहीं है। नारियों की निंदा करो, उनको दमाओ, उनका दमन करो, लेकिन आएंगी ऐसे ही। समझो कुछ, जहां ऐसा चलता हो वहां भूल करके ही मत जाओ। जो तुम्हारे अंदर आत्मा को जगाता है, तुम्हें आत्मा से जोड़ता है, स्त्री पुरुष को एक बताता है, वो सत्संग श्रेष्ठ है, वो सत्संग सुनो। इसके स्थान पर मैं एक और दोहा प्रयोग करता हूं, गुरु डम की जाही पड़े अंधा होत मनुष्य, उनकी क्या गति जिनका नित गुरुडम से संग। जब एक सांप के ऊपर नारी की परछाई पड़ जाती है वो अंधा हो जाता है, ये तो कहता हूं मैं, चाहे झूठ भी हो लेकिन ये सत्य है कि जिस पर गुरुवादी गुरु की गुरुडम की छाया भी पड़ गई तो वो सदा के लिए मानो अंधा हो गया, उसके अंदर विचार बच नहीं सकता। परछाई परछाई से इतना हो जाता है, लेकिन उन लोगों की क्या हालत है जो नित अपने गुरु के चरण धो धो को पीते हैं, उन लोगों की क्या हालत है। गुरुवादी लोगों की बातें करता हूं, गुरुओं की नहीं करता मैं, कि तुम समझ लो कि मैं गुरु का खंडन करता हूं। गुरु को तुम्हें बहुत बड़ा अर्थ देता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि गुरुवादी गुरु दूसरी चीज है, गुरु दूसरी चीज है। गुरु को पहचानो, गुरुवादी हो तो उसकी परछाई से बच जाओ। शिष्य और गुरुवादी गुरु के बीच में एक संबंध है, उस संबंध का नाम है पतिव्रता, पतिव्रता नारी का, यानी के जो शिष्य होता है वह ऐसा ही होता है गुरु के साथ में, गुरु के संबंध में, जैसे कोई नारी हो, जैसे कोई पतिव्रता नारी अपने पति के संबंध में हो। अब तुम देखते हो कि ऐसी नारियों की क्या हालत हो सकती है। मैंने एक जगह सुना है कि एक राजा ने परीक्षा लेनी चाही,
ऋषिकेश जो है इस नगरी में पतिव्रता नारी कौन है, उसके लिए क्या परीक्षण किया कि वे एक छालनी ले आओ, उस छालनी में पानी डालो और औरतों को बुलाओ, और जिसकी जो छलनी है उसमें पानी तो रुक गया तो समझो वो पतिव्रता, अगर नीचे निकल गया तो वो पतिव्रता नहीं है, वो वैश्या है। देखो परीक्षा की बातें तुम्हारी, ये वो वैश्या है। अंत में एक औरत आई जिसका पता भी नहीं था, लेकिन एक सुराख से पानी निकल गया उसका भी। बात तो ये सारी झूठी है, चाहे कोई पतिव्रता हो, चाहे कोई परमात्मा हो, चाहे अवतार हो, कोई सतगुरु हो, पानी तो निकलेगा, चाहे एक सुराख हो पूरा निकलेगा, नहीं निकलता हो तो बताओ। लेकिन हमारी धारणाएं हैं, हमको मूड बनाया जा रहा है, मूड गवार बेकूफ पत्थर के। तो उस नारी से पूछा गया कि भाई तू तो पूरी पतिव्रता नहीं है, पानी निकल गया। कहने लगा जी एकदम गलती हो गई मेरे से। कि क्या गलती? कि धुंध पड़ रही थी सुबह सुबह, और जो है कोई आदमी आ रहा था, मेरी पहचान में नहीं आया। मैंने सोचा मेरा पति आ रहा है, लेकिन वो मेरा पति नहीं था। मन में सोच लिया कि जैसे मेरा पति आ रहा हो, बस इतना ही सोचा था, मैं पतिव्रता नहीं रही। अब तुम बनो ऐसी पतिव्रता गुरु की, देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। गुरु कैसे भी ठगो, कैसे भी तुमको प्रयोग करो, कैसे भी तुमको मशीन बनाओ, स्त्री हो के पुरुष हो दोनों को बनाओ, जब ऐसा रिश्ता गुरु और शिष्य के बीच में निश्चित कर दिया है, क्या तुम्हारा कल्याण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे विचार को चरण लिया है, तुम्हारी सजगता को चरण लिया है, तुम्हारे आत्मविकास को रोक दिया है, तुमने उनको अपना यंत्र बना लिया है। तुम जागो थोड़े से, समझो इन बातों को, ये सिर्फ कहानियां हैं तुम्हें भगाने के लिए। और आजकल तो एक और गजब की बात है, वो क्या है? कल मैं पढ़ रहा था कई दिन हुए अखबार में कि एक रोबोट बना रहे हैं, सत्री रोबोट, यानी सत्री एक रोबोट, एक मशीन होती है, एक मशीन होती है, वो आदमी की तरह से कार्य करती है। और प्रयास किया गया उसके अंदर कि ये आदमी की तरह से काम कर रही है मशीन, अपने आप करने लगा ये मशीन, उसमें जैसा भर देते हैं वैसा वो सेवा काम करती है, वैसे वैसे वो हाव भाव दिखाती है, वैसे वैसे वो हाथ पैर चलाती है, सब करती है। तो ऐसी जो साइंस भी कोशिश कर रही है, और उनको नाम दे दिया है पतिव्रता रोबोट, क्योंकि आगे वाले आने समय में औरत की जरूरत नहीं पड़ेगी, पतिव्रता नारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक स्त्री रोबोट खरीद लाओ, जैसा चाहेगा पुरुष वैसा ही चलेगी। ऐसे रोबोट जो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बगैर पैसा लगाए पैदा कर ली थी औरतें और चिल्ले, अब ये साइंस वाले मशीन का रोबोट मशीन की औरत बनाना चाहते हैं कि तुम मशीन की औरत करो, खरीदो और संभोग करो, और पतिव्रता जैसा चाहोगे वैसा मिल जाएगा। करो बलात्कार तो समाप्त हो जाएंगे, जिसके घर रोबोट छत्री पैदा हो जाएगी वो तो तालियां बजाएंगे, वो तो लड्डू बांटेंगे, वो थाली बजाएंगे, क्या हमारे घर लड़की हुई है, लड़कियों का आदर तो हो जाएगा लेकिन मशीन की लड़कियों का होगा? तो ऐसी बात तो पहले ही हो चुकी है, हम सब रोबोट ही हैं, क्षत्रियों के पुरुष हम क्षत्रिय रोबोट हैं, और गुरु उनको अपने अनुसार चलाते हैं, वो तो थोड़ी मशीन है थोड़ी स्माइल भी दे देती है, हमारे अंदर स्माइल भी नहीं है तो प्रेम मारो तो अग्नि निकलेगी। अगर गुरुमुख को प्रेम मारो, समुद्र मारो, अग्नि निकलेगी, कुछ भी मारो अग्नि निकलेगी। अहंकार अहंकार बड़ा है, प्लास्टिक के हैं पत्थर के हैं, समझ नहीं है। तो ऐसे तो हम पहले ही बैठे हैं, और साइंस और कोशिश कर रही है, तो देखते जाना। तुम अगर रोबोट ही बनना चाहते हो, गुरु के अनुसार बनना चाहते हो बिल्कुल, तो तुम्हारे अंदर तुम्हारी चेतना नहीं बचेगी। मैं तो एक धड़ाके की बात बताता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी पूजा हो, मैं नहीं चाहता कि मेरा दूरदक नाम हो। अगर दूरदक नाम करने की मेरी चिंता हो तो मैं बनावटी सत्संग कर दूंगा, सत्संग में मिश्रण कर दूंगा, तुम्हें बुला लूंगा, तुमको ठग लूंगा, अपना कल्याण कर लूंगा, लेकिन इससे मेरे को फायदा क्या है? मैंने पहले ही कह दिया कि हमारे पास कुछ नहीं जाना, ये जो हम बाहर से इकट्ठा कर लेंगे, ना मान सम्मान जाना, ना ये धन जाना, हमने तो अकेले ने जाना है और सभी ने जाना है।
मैंने कहा कि स्वरूप के मार्ग में खुद